Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we'll talk about latest judgment of Karnataka High Court. Guys, अगर हम कर्नाटका हाई कोर्ट की बात करें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिट पिटीशन फाइल की थी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पता चलता है पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज, इसमें देखिए, अगर हम सबसे पहले केस का नेम देखते हैं, केस का नाम है नीता जी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट का ये मैटर है। गाइज, इसमें रिट पिटीशन फाइल की गई थी अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइज, इसके अंडर जो पिटीशन थी वो फाइल की गई थी, रिट पिटीशन। तो गाइज, इसमें क्या हुआ था, जो लेडी थी यहाँ पर नीता जी, इसका जो हस्बैंड है गाइज, उसको पनिशमेंट हुई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर हम बात करें सेक्शन 302, 201 एंड रीड विथ सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन का, उसके अंडर उसके हस्बैंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की गाइज पनिशमेंट हुई थी। बट यहाँ पर हम बात करेंगे जब उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, ड्यूरिंग दैट टाइम गाइज उसकी मैरिज होती है, तो कोर्ट उसे 15 दिन की पैरोल भी ग्रांट करती है। नाउ अब क्या होता है गाइज, मैरिज होगी, उसके बाद 15 दिन के बाद उसका हस्बैंड है गाइज दोबारा से जेल चला जाता है। अब जो नीता जी है वो अपनी मदर इन लॉ के साथ ही रहती है गाइज, उसकी जो मदर इन लॉ है गाइज वो एक सीनियर बोल सकते हैं, ओल्ड लेडी है, सीनियर हो गई है इसके मुताबिक। तो गाइज उसे बहुत सारे फिजिकल इश्यू भी है, तो अब उसकी विश क्या है कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। इसके साथ ये भी बोल सकते हैं जो नीता जी है वो प्रेग्नेंट भी होना चाहती है, वो एक माँ बनना चाहती है, वो ये भी इसका एक फंडामेंटल राइट है। और इसकी अगर हम मदर इन लॉ का भी देखें, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना उसका भी फंडामेंटल राइट है। तो गाइज उसने पिटीशन फाइल की कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसमें हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस थे एस आर कृष्णा कुमार जी ने जो इनकी रिट पिटीशन थी उसे 30 डेज के लिए अलाउ किया, एंड उन्होंने इसके साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि जो 30 डेज है इनके बीच ईच एंड एवरी वीक में जो लड़का है अक्यूज है वो पुलिस स्टेशन जाएगा नियर अबाउट, वहां पर जगह जाकर अपने प्रेजेंट लगाएगा, एंड आगे से ऐसा कोई ऑफेंस ड्यूरिंग दैट टाइम पैरोल के टाइम पर नहीं करेगा। तो गाइज पैरोल का मीनिंग एक अगर हम अलग से बात करें ये भी होता है कि एक अक्यूज को बाहर ली लाइफ आउट ऑफ द जेल भी उसे दिखानी होती है कि इससे बाहर भी आपकी लाइफ है, तो आप इसे भी इंजॉय कर सकते हो, आपको एक चांस मिल रहा है। तो गाइज इसमें हमें लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसलिए हमने आपके साथ डिस्कस की पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये देखिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।